हेलो गाइस, सो आज दिवाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हैप्पी दिवाली, और उसके बाद हैप्पी दिवाली। सो दिवाली की शॉपिंग करने बेसिकली जा रहे हैं। शॉपिंग क्या बोलना, बॉम्ब बॉम्ब लेके आना है। लेकिन ये देखो चाचा जी, हेलो चाचा जी, आ जाइए। ओ हम सब लोग जा रहे हैं, अभी विकास नगर हमारी मेन मार्केट है यार। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे कि आज एक स्मॉल ट्रिप है, डाकपत्र तक जा रहे हैं हम लोग। ओके गाइस, सो अभी जस्ट निकल चुके हैं हम गांव से, और ये देखो हमारे कैमरामैन, ड्राइवर, हमारे मेरा उस्ताद, मेरा ड्राइवर, सब कुछ है ये। ड्राइवर जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी ओर से। राहुल तुम जी, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए मिस्टर अजय तोमर। यार काफी टाइम बाद दिखे हो यार आज, मतलब मिलते नहीं हो आप लोग यार। खुशी मिल रही आपसे मिलकर अजय। अच्छा, हाँ सच में मुझे आपके साथ बिताए हुए बचपन की याद आती है। खैर अपने लाइफ में बिजी रहते हैं। और बताओ आप? बस यार क्या बताएं, बस कट रही है। हम भगवान से दुआ करेंगे कि आपका जो ब्लॉग है उस पे सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा, फॉलोअर्स आपको फॉलो करें, और आपके फ्यूचर के लिए हम बेस्ट विशेज देंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल तुम्हारी। ये देखिए गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है। ये हमारा जो रोड है, ये नया रोड बना है वैसे तो, कहीं कहीं लैंडस्लाइडिंग भी होती है बिकॉज नया रोड है अभी, काफ़ी 3-4 साल पहले बनाया ये रोड। और ये देखिए सामने विकास नगर है, हमें ये पूरा पहाड़ उतर के जाना है नीचे, पुंगा टिंबी से होके सीधा जबाली धार से, और ठुडौंड से होके जबाली धार, और कंजाई डाक से होके सीधे खोदरी माधरी, उसके बाद सीधे विकास नगर। तो उस्ताद जी कैसा लग रहा है, आप कितना किराया है आपका विकास नगर तक का? उस्ताद जी देखो, उस्ताद जी कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हमको ड्राइव करना। ये इधर घोट गाइस, ये अगर आप देखोगे ना तो ये पानी आ रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत ठंडा पानी है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नीचे चक्की है, एक नेचुरल चक्की,
जिसमें आटा पीसते हैं और मैनमेड मैनमेड चक्की है, मैनमेड और हैंडमेड। हाँ आपको दिखाएंगे। पानी जो जा रहा है ना नीचे, ये यहाँ से ये पानी नीचे जाएगा सीधा उसके लिए चक्की के उसके लिए जहाँ पे टर्बाइन लगती है ना, जहाँ पे टर्बाइन लगी हुई है और नीचे अंदर इसमें आटा जो है मेक होता है। आपको दिखाएंगे अच्छे से कि किस प्रकार से जो गेहूं है वो पीसा जाता है और जो मक्की है इस प्रकार से पीसी जाती नीचे। ये एक शेड सा बना हुआ है यहाँ पे, तो अभी हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यार ताला लगा हुआ है नीचे ना, लेकिन ये आपको नीचे दिखाते हैं, कोई शॉर्ट दिखाते हैं आप नीचे। इसमें डाला जाता है, ये यहाँ से डाला जाता है और यहाँ पे जो है पीछा जाता है। यहाँ से ये हमारे कैमरामैन अमन। चाचा जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा, मैंने अभी तक लाइफ में नहीं देखा था अभी तक रियल में। ओके आज मैंने लाइव चक्की देखी है। आपको नहीं लगता कि किस प्रकार से जो है पुराने बुजुर्ग होते थे, मैं वही सोच दिमाग कैसा होता था? बिल्कुल राइट, पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती ना उस टाइम पे, यहीं पे मैं भी फर्स्ट टाइम देख ही रहा हूँ कि चक्की पानी से कैसे चलती है। हाँ राइट, मैंने ऐसे पहले नहीं देखा है। इसी नीचे अभी टर्बाइन लगी हुई है, घूमती है फिर वो घुमाता है पानी फ्लो में आ रहा है। तो चाचू जब पहले हमारे बुजुर्ग होते इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी उस टाइम पे, तब यहाँ पे आटा पीसा जाता था, तो क्या नाम ये और हमारा जो मेन होता था जहाँ से हम आटा लेके आते थे होता था पेरवाड़ा। पेरवाड़ा राइट, बहुत दूर है बीच में। हाँ राइट राइट, बहुत दूर, 4-5 किलोमीटर बिल्कुल है ना जी। तो वहाँ से हमारा आटा आता था राइट, और आज मैं बिल्कुल लाइव देख रहा हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। वाह, मैंने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। ओके, अगर हमें अंदर जाने का मौका मिलता तो और भी बढ़िया होता, और बढ़िया होता। ताला लगा हुआ है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, यहाँ से इसकी एंट्री होती है। ये देखिए गाइस कैसा है ये। हाँ ताला इधर लगा। सो गाइस चलते हैं अब यहाँ से, अब आपको दिखाते हैं नीचे, और बहुत ब्यूटीफुल है यार, बहुत मजा आया यहाँ पे, बहुत ठंडा पानी है और अंदर टर्बाइन घूम रही थी, सो बहुत मजा आया। चलते हैं फिर। फंस गई है हमारी गाड़ी यहाँ पे। आओ आओ दे बाइक रो, अनलॉक बाइक। चलो चलो बेटे, उदे उदे काट बेटा, तुझे निकाला तुझे वो। फाइनली पहुंच चुके हैं। ड्राइवर साहब कैसा एक्सपीरियंस था आपका? ऐसा एक्सपीरियंस था कि मेरे को पहले कभी ऐसा रोड नहीं दिखा, इतना बेकार रोड था ना, पत्थर से उछल के जा रही थी गाड़ियां, उतने बड़े बड़े पत्थर चैंबर में लगे ना, तो हाँ हाँ दिल पे बहुत लगी। चलो कोई नहीं, होता रहता है।
stuck on repeat. I see the same sky as every night. गाइस अब जस्ट हम एंटर करने वाले हैं उत्तराखंड में और यहाँ पे डाक पत्थर का पुल लगेगा. सो यू कैन सी तो ये गया सीधा माजरी के लिए आगे. मिस्टर मॉडल हेलो, कैसे हो सर? कैसे हो? बहुत सालों बाद दिखेगा. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली सर. आज मेरे को यही थे हम लोग कल इधर क्रिकेट का लोग जा रहे थे. अभी हम बस पुल क्रॉस कर रहे हैं और ये देखो यहाँ पे बीच में छतरी है. यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है और मेरे साथ हैं मिस्टर निशु तोमर और आशु तोमर. ये दोनों मेरे भतीजे हैं और अमन का बड़ा भाई है, वैसे ही बड़ा कैमरामैन. और निशु मजा आ रहा है क्या? बोल फुल मजा आ रहा है. आज हम दिवाली के दिन घूमने जा रहे हैं. हमारी लोकल मार्केट जो कई पीढ़ियों से हमारी लोकल मार्केट रही है, जिसके नाम से हमारा क्षेत्र का नाम हाटी पड़ा है. वो इसका नाम क्या है? बोलते हैं चुटपुरा, बोलते हैं ना चुटपुरा. उसका नाम विकास नगर पर हम पहाड़ी जो हाटी लोग थे उसको हम चुटपुरा कहते थे जी. अभी भी कहते हैं बहुत लोग, अभी भी आज बोलते हैं चुटपुरा जाना चुटपुरा. आप लोगों ने सॉन्ग सुना होगा, वो पहाड़ी सॉन्ग चुटपुरा जाना चुटपुरा. आप बैकग्राउंड में सॉन्ग भी मेंशन कर देना. यहाँ पे बहुत मजा आता था जब हम छोटे छोटे होते थे तो विकास नगर के लिए जब आते थे तो जब अदरक होता था तो उस टाइम हम विकास नगर आते थे. उस टाइम शॉपिंग करते थे अपने पापा के. ये मतलब जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी से जो एक रूटीन चला रहा है अदरक, हम आज भी इसी मार्केट में ले आते हैं. जो हाटी के लोग लगभग आज भी हम अदरक लेके शॉपिंग करते हैं. जब अदरक जो मतलब हमारी मार्केट ये रही है इसका विकास नगर मार्केट, जो मतलब हम हिमाचल से स्पेशल उत्तराखंड में और इसी मार्केट में. जबकि हमारा पांवटा साहिब में काफी विकास हो चुका है. राइट, मार्केट बड़ी हो चुकी है. अब हम आपको दिखाएंगे विकास नगर. अभी तो हम पहुंचे नहीं है, बस पहुंचने वाले हैं. हम बाड़ी मोड़ से सीधा राइट लेके अब हम सीधे विकास नगर की मार्केट में एंटर करेंगे और उसके बाद बहुत मजा आएगा. और भाई आज हमारा जो छोटा कैमरा मैन अमन तोमर वो तो बात नहीं कर रहा हमसे. पहुंच चुके हैं विकास नगर पहाड़ी गली. I see the same sky as every night. Oh, I need a sign, I need a reason why I'm alive. Cause I can figure out why everything around me just feels so far away. I'm going round in circles, looking through my head now. Oh, I need someone right now.
up the sky tonight.